केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी जाएंगी, जहां वो दीदी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे। साथ ही सलोन विधानसभा इलाके में वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। स्मृति ईरानी जगदीशपुर विधानसभा भी जाएंगी, जहां उन्हें कन्या महाविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत करनी है। साथ ही जगदीशपुर में ही वो फायर स्टेशन का शिलान्यास करेंगे और 28 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज दोपहर करीब 1:15 बजे केंद्रीय मंत्री एक चाय की दुकान में पत्रकारों के साथ चाय पर चर्चा भी करेंगे। आपको स्मृति ईरानी के कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी भी दे देते हैं। दरअसल अमेठी में आज दीदी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत स्मृति ईरानी बीजेपी कार्यकर्ताओं से सलोन में मुलाकात करेंगी। आज दीदी आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके चलते स्मृति ईरानी आज अमेठी में ही मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम के तहत लोगों की भी समस्याएं सुनेंगी। रायबरेली अमेठी के लोगों की समस्याएं भी आज स्मृति ईरानी सुनेंगी, उनसे बातचीत करेंगी। सुबह करीब 10:30 बजे जगदीशपुर में स्मृति ईरानी का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर राजकीय कन्या महाविद्यालय का भूमि पूजन किया जाएगा, जिसके लिए स्मृति ईरानी वहां मौजूद रहेंगी। इसके अलावा 7.73 करोड़ की योजनाओं की भी सौगात लोगों को मिलेगी। 28 परियोजनाओं की आज शुरुआत करेंगी स्मृति ईरानी। 21 नवविवाहित जोड़ों से भी आज उनका मुलाकात का कार्यक्रम है और फिर पत्रकारों के साथ चाय पर चर्चा करेंगी। और करीब 2:15 बजे गौरीगंज में भी एक कार्यक्रम है, जिसमें भाग लेंगी स्मृति ईरानी। और बीजेपी सदस्यता अभियान की आज अमेठी में भी वो शुरुआत करेंगी। एक तरफ वाराणसी में प्रधानमंत्री, तो अमेठी में स्मृति ईरानी सदस्यता अभियान की शुरुआत आज में शिरकत करेंगी। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भी एक कार्यक्रम है, उसमें भी भाग लेने के लिए पहुंचेंगी। और फिर 4:00 बजे के आसपास गौरीगंज से लखनऊ रवाना हो जाएंगी।